अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। मेरे रेडियो आवाज़ के सामने इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के नाज़रीन इसे हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, आजकल एक इशू चल रहा है और ये हर घर का इशू है कि बिजली के बिलों में इजाफ़ा, और इस हवाले से एहतजाज का एक सिलसिला जहाँ किसान कर रहे हैं, वहीं घरेलू सार्फीन भी इस पर जो है एहतजाज करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी बात कहाँ तक सुनी गई है या नहीं सुनी जा रही, ये भी जानने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया। और आज मैंने अपने इस सेट पर दावत दी है एससी फैसको जनाब फैसल मारत साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक मुरीद आबाद साहब, और ये एक्सचेंज कंस्ट्रक्शन है। अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ, और आज इनसे बातें की जाएंगी आपकी, और फैसल मारत साहब से ये भी जानेंगे, ये फखरे झंग हैं, इस पोस्ट पर पहुँचे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि ये झंग में एससी के तौर पर आए हैं, तो इनसे इनकी सर्विस के हवाले से भी जानेंगे, और इन्हें इनसे बहुत सी बातें आज इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ऐसी जानी जाएँ जो पहले आपको इनके बारे में ना पता हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ऐसे होता है कि इंसान सोच कुछ रहा होता है, कोई कहता है मैंने पायलट बनना है, कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर सोच रहा होता है, तो आप क्या सोच रहे थे? मैं शुरू से ही, मेरा एक ख्वाब था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना। तो जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है, उस वक्त पाकिस्तान की चंद एक यूनिवर्सिटियाँ थी हमारी, जैसे कराची की NED थी, UET लाहौर थी, टेक्सला थी, पेशावर यूनिवर्सिटी थी, क्वेटा में थी, और आज़ाद कश्मीर में थी। तो अब तो इंजीनियरिंग का वो एक जवाल शुरू हो गया है। अब डॉक्टर वाली साइड पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आपको पता है कि प्राइवेट जब कॉलेजेस खुले हैं इंजीनियरिंग के, तो उसकी वजह से जो है ना ये इंजीनियरिंग का जवाल शुरू हुआ। अच्छा, वो उस वक्त एक ख्वाब था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना, तो उसके लिए शुरू से ही मेरे एक जहन में था कि मैंने इंजीनियर बनना है। उसके लिए अब छठी से ही एक कंपटीशन हमारा जो है ना वो लड़कों के साथ मेरा एक शुरू से अपने क्लास फेलोज के साथ शुरू कंपटीशन शुरू हुआ छठी क्लास से। तो अल्लाह का करम है कि मैं फिर छठी से ही मॉनिटर, फिर FSC तक, बल्कि प्राइमरी से ही मैं 1 क्लास से मॉनिटर था, लेकिन जो असल कंपटीशन जो शुरू हुआ मेरा वो 6 क्लास से शुरू हुआ। तो अल्लाह का करम है, FSC में मैं फैसलाबाद बोर्ड का पोजीशन होल्डर हूँ, और मैट्रिक में मेरी डिस्ट्रिक्ट झंग में पहली पोजीशन थी, तो FSC में मेरी दूसरी पोजीशन थी फैसलाबाद में। अच्छा माशाल्लाह। ये अच्छा, इसमें एक और बात कि ये तो थी आपकी ख्वाहिश, एक ख्वाहिश होती है जो इंसान वालदैन के लिए करना चाह रहा होता है, उनकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपने बेटे को ये बनता देखना चाह रहा हूँ, तो क्या उन्होंने नहीं सोचा जिस तरह आपकी फ़िज़िक है कि आपको पुलिस में होना चाहिए, आपको फ़ौज में होना चाहिए, तो इस हवाले से? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने टोटली मेरे पे ही छोड़ा हुआ था कि बेटा जो आप बनना चाहते हो ना, आप वही फील्ड अपनी ना चूज़ करो। तो मेरा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक ख्वाब था, वो अल्लाह के करम से पूरा हुआ, लेकिन ये एक अलग बात है कि मैंने दरमियान में एक अटैम्प्ट CSS की भी शुरू की, लेकिन ये भी किस्मत की बात होती है, वो भी दोस्त थे हम लोग, मैं देन आई वाज STU इन सरगोधा, मेरी पहली पोस्टिंग सरगोधा में थी, तो हम तीन लड़कों ने तैयारी शुरू की CSS की। अभी 18 दिन ही पड़े थे कि ये जनरल मुशरफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो इन्होंने 6 साल जो है ना वो कट लगाया था CSS की एज लिमिट पे। अच्छा। 34 से ये 28 पे आई थी, तो मैं, मेरी उसी साल फरवरी में मुकम्मल हो गई थी, 12 फरवरी को 28 ईयर्स, तो मैं वहीं डिसक्वालीफाई हो गया, मैं बैठ गया। बाकी दो की, एक ही नवंबर में होनी थी पूरी, एक ही दिसंबर में होनी थी, 1 इज़ DIG कराची। अच्छा। एंड 1 इज़ एडिशनल सेक्रेटरी, वो दोनों कर गए, CSS कर गए, लेकिन मैंने ऐसे ही बस वो उस वक्त शुगलन PCS का भेज दिया, मजिस्ट्रेटी का। अच्छा। तो उस वक्त आई थिंक 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट थे, लेकिन ये शाह जी हकीकत है कि मैंने वो 18 दिन के बाद पढ़ाई नहीं की। अच्छा। बिल्कुल एक दिन भी मैंने वो बुक को ना वो उस अपने आप को तैयार नहीं किया उसके लिए। डेट शीट आई है PCS की, मैं चला गया लाहौर, 7 दिन मैं पेपर देना, कज़न होता था उसको सेकंड टाइम में लेना, फोर्ट्रेस नुमाइश लगी हुई थी, हम लोगों ने नुमाइश घूमनी सारा दिन, मतलब ऐसे शुगल में मैंने दिया। तो मेरी 37वीं पोजीशन थी। अच्छा, उस वक्त पंजाब में बगैर तैयारी के मेरी 37वीं पोजीशन थी, और 89 सीट्स थी मजिस्ट्रेट की उस वक्त। अच्छा। तो लेकिन वाला साहब नहीं माने। ये देखें जी, ये वो बातें हैं जो फैसल साहब के या फैमिली मेम्बर्स जानते थे,
लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बातें निकलें जो कि बंदे की ख्वाहिश होती है, जहां बंदे ने कोशिश की होती है कि मुझे ये आना चाहिए, लेकिन बेसिक उनकी ख्वाहिश शुरू से यही थी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और की। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि आप जिस जगह पे सर्विस कर रहे हैं, मसलन फेस्को में बैठे हैं, तो ये तो इंतहाई ऐसा इदारा इस वक्त बन चुका है कि हर बंदे को इससे शिकायत है, तो ये कैसे पब्लिक डीलिंग? तो आप तो सोच रहे होंगे कि मैं इंजीनियर बन के कहीं आराम से टेक्निकली काम करूँगा, ये तो पब्लिक डीलिंग वाली साइड पर नहीं। अब इसमें भी मुख्तलिफ मतलब शोबे हैं आपके फेस्को में। अब मैं इससे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर फेस्को था, तो वो पोस्ट एक टोटली टेक्निकल पोस्ट थी हमारी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो है ना वो कंसर्न थी, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को, बड़े अरसे के बाद सीखने को मिला वहाँ पे। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा कि जैसे ही मेरे पहले एससी साहब नज़र डब साहब प्रमोट हुए, अब वो चीफ इंजीनियर ऑपरेशन है हमारे फेस्को के, तो ये सीट वेकेंट होने के बाद फिर सीओ साहब ने मुझसे बकायदा, वो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये जंग के लिए बेहतर, मतलब इससे बेहतर चॉइस नहीं है। अच्छी अल्लाह का करम है, शुरू से ही शाह साहब मेरा एक ये था कि वापदा की वजह से आवाम बहुत तपी होती है, हर वक्त तपी होती है। अच्छा, एक तो रेट्स की वजह से तपी हुई है, दूसरी हमारे एटीट्यूड से तपी होती है, जो हमारा अक्सर आप दफ्तरों में देखते हैं, सारे सिर्फ वापदा नहीं, बाकी दफ्तरों में भी आप जाएँ, ऑफिसर्स का जो एटीट्यूड एक आवाम के साथ होता है, हमारी गर्दनों में सरी आ जाते हैं और हम लोग पता नहीं अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह की ज़ात का करम है कि मैंने कभी आज तक अपने वो गर्दन में सरियाँ नहीं आने दिया। ये आपकी यही तो कामयाब इंसान की एक इखलाकी तौर पर, आपका इखलाक की वजह से भी आप जंग में इतने मशहूर हैं कि जनाब फैसल साहब के पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। मलिक मुरीदाबाद साहब को भी थोड़ा छेड़ते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये कैसे इस सर्विस में आए, तो आपने सोचा था कि आप भी कोई इसी लाइन में आएंगे? देखा जी, फ्यूचर का जो एक फ्यूचर सिलेक्शन होती है वो नो डाउट एक बड़ा टफ सा मरला होता है, तो इसी तरह मैट्रिक जो है, बल्कि सारी स्टडी जंग की है, मैट्रिक जो है वो मैंने जंग से किया यहीं से, फिर एफएससी जंग से की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशंस पे जो है वो क्लास पोजिशन थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया, एफएससी के बाद जो है वो मेरिट बन गया। तो ख्वाहिश यही थी इंजीनियर बनने की, तो उसके बाद एडमिशन हो गया यूटी लाहौर में। यानी आप भी बाई चांस नहीं आए कि अचानक बन इस तरह जो है ना जी, वो ये सिलेक्शन जो बच्चों के लिए कुछ पेरेंट्स जो है वो सुपर इम्पोज कर देते हैं कि नहीं जी तुसी आपने ये बनना है, तो वो थोड़ा सा मसलत कर दिए जाते हैं फैसले के, बेटा आपने ये बन के दिखाना है, तो उसके लिए ये होता है कि बच्चों के लिए ना वो डिसीजन जो है ना वो बड़ा वो एक कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाते हैं कि जी हमने पता नहीं करना क्या है क्या नहीं करना है, तो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि जो आपका दिल करे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया, पेरेंट्स की दुआएं थी, तो बस फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर फेस्को में आ गए। अक्सर ऐसे होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से पब्लिक नहीं खुश होती ना, तो आप फेस्को का भी कोई ऐसे ही हालात लगते हैं कि इससे भी लोग फेस्को वापडा ये सारे इनसे भी लोग कुछ नहीं नज़र आते, तो आपने ये जो सवालात मसलन पब्लिक की फेसिंग करनी, आप अपनी अथॉरिटी तक तो पहुंचा रहे होते होंगे कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है, आप बिल बढ़ाई जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, कभी आपसे फैसल भैया आपसे कभी मशवरा किया गया कि हम ये बिलों में ये टैक्स लगाने लगे हैं जी, आप इंजीनियर्स हैं सारे आएँ ज़रा बैठ के बताएँ कि हम कर लें तो क्या ये पब्लिक इसे आप फेस कर लेंगे पब्लिक को? नहीं, ये जो डिसीजंस होते हैं ना हायर लेवल पे होते हैं सारे, जो टैरिफ के होते हैं उसमें हमारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उसमें हमारा नेपरा इन्वॉल्व होता है, तो इसमें हम मतलब जो इधर डिस्कोस में बैठे हैं हम इन्वॉल्व नहीं होते। हाउएवर जब इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो हमें उनको अपनी कंपनी में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उन रेट्स को। लेकिन मैं शायद एक बात कहूँ आपको, अब ये कितने प्रोटेस्ट हुए हैं ये बिजली के खिलाफ, मेरे ऑफिस में जो भी ग्रुप आया है ना, सिर्फ आराम से सुना उनको, हर बंदे को मौका दिया बात करने का, फिर उसके बाद उनको अपने अल्फाज में समझाया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ग्रुप ऐसा आया हो जो नाराज़ हो के, जैसे वो ऐसे गुस्से में आना कमरे के अंदर कि ये क्या हो गया जी हमारे साथ ये वो, लेकिन जब वो सुनते हैं ना, अगर आप प्यार से सुन लेना उनको, तो आधा काम उनका वहीं पर हो जाता है। अच्छा, ये मैंने जान में डीसी साहब आए थे वो भी इसी तरह, शाहिद अब्बास जोया साहब, उनमें भी ये खसूसियत थी कि कहीं कोई एहतजाज हो रहा होता था ना, बल्कि एक दो दफ़ा वो एडीसी थे तो सेशन चौक पे कोई आग शाग लोगों ने, इस वापडा के खिलाफ ही कोई एहतजाज हो रहा था, तो पता चला कि जनाब जोया साहब भी आ रहे हैं, मैं कहा एहतजाज ख़त्म हो जाएगा।
उनके आते ही कोई ऐसा उन्होंने किया। आज के नाज़रीन इस प्रोग्राम में हमारे साथ असलम ज़ौक साहब भी हैं, रेडियो के ब्रॉडकास्टर हैं, और वो इसे ख़ास तौर पे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि फैसल साहब भी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मलिक मुरीद अब्बास साहब भी दोस्त हैं, तो इनके भी कुछ गिले शिकवे हैं, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा, पहले मैं पब्लिक के थोड़े करूँगा इनसे। फैसल साहब, ये जो बिल हैं ये क्या है, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, हमें ये तो समझा दें। अब आवाम को तो समझ ही नहीं आ रही कि हम बिल दे चुके हुए हैं, मसलन मई का बिल दे चुके हुए हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब लग के आ रही है, जून का बिल दे चुके हुए हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब लग के आ रही है, ये है क्या असल में फ्यूल प्राइस? ये आपने एक प्रोग्राम पहले भी किया था हमारा, वो DCM साहब जिसमें मैंने उनसे भी यही पूछा, बिल्कुल महसूस, ये कंसर्न हमारे ना कमर्शियल का होता है ये, बल हाउएवर इसमें ये होता है कि FPA ये बनता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। जी जी ठीक है। अब जब बिजली पैदा होती है, आपको पता है कि पाकिस्तान में थर्मल ज़्यादा है, हाइडल कम है हमारी जनरेशन हमारी, ठीक है। अब थर्मल जब गवर्नमेंट पेमेंट्स भी करती है, जब तेल से बिजली पैदा होनी है, LNG से होनी है, तो जब वो पेमेंट्स होती हैं ना, जब हमने बिजली आपको बेची उस वक्त क्या रेट था पेट्रोल का या कोई अच्छा। भी जो भी चीज़ है थर्मल में जो यूज़ हो रही है जनरेशन में, अब जब हमने पेमेंट की तब उसकी प्राइस क्या है, हमने डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है, अब वो जो डिफरेंस आता है ना वो फिर ये 4 माह का गैप चल रहा है। अब अगस्त के बिलों में ये मई का लग के आया है, जो अगले महीने आएगा वो जून का आएगा, FPA लगा होगा। यानी अभी आपने भाई फंसे रहना है, ये किसी बात पे नहीं रहना कि ये ख़त्म हो जाएगा, यही समझ आ रही है मुझे कि अभी फ्यूल प्राइस लगेगा। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूल प्राइस जो रेट बड़ा था ना, इस दफ़ा अब जो मई में लगा, मई के FPA लगा जो अगस्त के बिलों में, ये था 7.35 रुपये इतना था अप्रॉक्सीमेटली, तो अब जून में ये बढ़ना था, फर्दर बढ़ना था, ये 9.65 रुपये इतना एक होना था ये, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब वो आपने भी सुना होगा मीडिया पे देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो बढ़ने वाली बात तो वो जो ना ब्रेक लगाए ना वहीं पर, अलबत्त रिवर्स वाली बात करें कि पीछे लेके जाना है इसको, तो अभी फ़िलहाल जो डिसीजन जो हमें अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि फ़िलहाल तो ये डिसीजन किया कि 200 यूनिट्स जिनकी कंजम्पशन है ना पिछले 6 माह में उससे बड़े नहीं है 200 से, उनका FPA टोटली माफ़ कर दिया उन्होंने। वो बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, इस पे कल मैं स्पेशल प्रोग्राम करूंगा, ये 200 यूनिट वाले पे मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया है तो कुछ लोगों को रिलीफ यानी मिलने जा रहा है, इस तरह जैसे उन्होंने 1 करोड़ कुछ कनेक्शन, काफ़ी लोगों को मिलेगा इससे रिलीफ, लेकिन हाउएवर जो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है वो किसान का है, किसान जरिए उसका तो किसान का है जो ज़्यादा हो रहा था, लोम्स इंडस्ट्री वाले कर रहे थे, उसके अलावा ये बाकी भी जो है मैंने इस दफ़ा प्रोटेस्ट में देखा, अच्छे भले लोग जो मतलब जो हम समझते थे कि बिल देने वाले लोग थे वो भी शामिल थे इसमें। अब देखिए उम्मीद तो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसमें जो है ना इसको सीरियस ले रही है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ये हुआ मुजहर है, तो इंशाल्लाह जल्द इसका कोई बेहतरीन सोल्यूशन निकल आएगा और आवाम के लिए एक अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। हम तो इसी उम्मीद पे बैठे हैं जी कोई अच्छी खबर आए पब्लिक के लिए और यहाँ से जाए। मलिक मुरीद अब्बास साहब से एक सवाल करूँगा कि ये जो शहर में सोसाइटियाँ बन जाती हैं, अचानक पता चलता है कहीं ना कहीं कोई सोसाइटी बन गई है, तो इनके कनेक्शंस का दरअसल क्राइटेरिया क्या है कि बाज़ लोग तो सिर्फ एक आधा को ट्रांसफार्मर लगा के अरसा दराज चला ही रखते हैं, तो ये क्या किस तरह बिजली मंजूर करवानी चाहिए, इनका क्राइटेरिया क्या है? सॉरी, बेसिकली जो कॉलोनीज का या जो हमारी सोसाइटीज़ का जो है वो क्राइटेरिया है वो तो बड़ा, अब जो बिजली देने का क्राइटेरिया वो बड़ा सॉलिड किस्म का बन गया है, यानी कि उसमें अब हमने बाकायदा NOC जो है वो हमारी TMA या जो हमारी ज़िला कौंसिल है वो बाकायदा NOC अप्रूव करती है विद द कंसेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, तो उस NOC के बाद जो उनके डिफरेंट NOCs होते हैं उनके आफ्टर फाइनल डिसीजन जो है वो फिर हमें वापडा को अप्रोच करते हैं, तो हम बकायदा फिर उसको जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रीफाई करते हैं, उनका एस्टीमेट बनता है जो एज़ पर पॉलिसी एज़ पर लॉ वो पूरी की पूरी कॉलोनी और सोसाइटी इलेक्ट्रीफाई होंगी, उस इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद जो है वो फिर उनको बिजली जो है वो मिलेगी, अदरवाइज़ कुछ कॉलोनीज होती हैं जो आप उसको कह लें कोई दोस्त कॉलोनी टाइप होती हैं या किसी ने कोई एकड़ 2 एकड़ चुप करके काट लिए इधर कॉलोनी होता क्या है कि आम बंदे को पता नहीं है, उसके जहन में ये होता है कि वो सामने खंभा लगा हुआ है, मैंने यहाँ प्लाट लेना है,
हाँ, तो ये कनेक्शन से तार खींच के इन्होंने मीटर लगा देना। लेकिन ऐसा जब ऐसा होता नहीं है आपके शहर में, मुख्तलिफ जगह पे कॉलोनियाँ बनी हुई हैं ऐसे, वहाँ पे कनेक्शन नहीं दे सकते हम लोग, वहाँ प्लाट लेके बिल्कुल बाउंड हो गए हैं बेचारे। घर बनाना चाहते थे कई गरीब लोग, जैसे कुछ कॉलोनियाँ आपको पता ही है चिन्नी रोड पे, जैसे वो परेशान है लोग। वो हम महकमाना तौर पर मजबूर हैं कि हम दे नहीं सकते, देना चाहें भी नहीं दे सकते, लेकिन वो बेचारे वो उन ठगों के हाथ ठगे गए। अच्छा मैं ये बता दूं कि चन्योर रोड पे इस वक्त बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ बन रही हैं जिनका अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं। तो मैं वो एनओसी की बात की है मलिक साहब ने कि जब तक एनओसी उन्हें ज़िला कौंसिल से या टीएमए से नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये लोग वहाँ कनेक्शन नहीं दे सकते। तो आपको अगर वहाँ कोई प्लाट शलाट लेना है तो पहले ये तस्दीक कर लेनी है कि क्या वहाँ एनओसी है, क्योंकि एनओसी होगा तो फिर पार्टी अगर स्ट्रांग है तो वही वहाँ कनेक्शन ले सकेगी। पार्टियाँ भी तो माठी होती है ना, ये कनेक्शन प्लाट सेल करती है। मैं बताता हूँ अब आपके प्रोग्राम के हवाले से कि बंदा अगर कोई यहाँ पे जंग के हवाले से मैं बात करूँगा, कोई भी किसी कॉलोनी में प्लाट लेने जा रहा है, सबसे पहले वो दो चीज़ें देखे कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें एनओसी दिया, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे क्या इन्होंने कनेक्शन हासिल करने के लिए कॉलोनी का वापडा में फाइल जमा करवाई है। अच्छा एनओसी ले के भी ना उसके बावजूद वो लोग प्लाट बेचते हैं, फाइलें बेची हो रही है जब वो वापडा की इतना पैसे नहीं देते और उन्होंने निकलना होता है, ये चीज़ उन्होंने निकलना होता है। अब करोड़ों में वो डिमांड होता है हमारा, तो वो लोग जो माठी पार्टियां हैं वो सेल किया हो रही है जब वो जब कुछ कॉलोनी कर भी रही हैं कर रही हैं फिगर चल रहा है ऐसे हम ओपन कर रहे जंग में। अब पैराडाइज कॉलोनी आपकी जैसे है माशाल्लाह इलेक्ट्रीफाई, अब सुना है कि गैस पूरी मुकम्मल गैस ग्रीन वुड है आपकी, वो उन्होंने डिमांड जमा हो चुका है उसका, उसका गैस का भी डिमांड, उस बिजली का भी हो चुका है। ऐसी कॉलोनीज भी हैं लेकिन जो आजकल बन रही हैं वो आपके सामने चल रही है। हाँ। रोड पे भी एक दो हैं, उनका एनओसी चल रहा है। जान लेते हैं जी एक ब्रेक, और ब्रेक के दौरान हम डिनर करेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे और फिर कुछ सीधी सीधी बातें करेंगे हमारे साहब से और मुरीदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। और आज हमारे यहाँ बारा रेस्टोरेंट में जो हमारा सेट है इस पर मेहमान हैं एस सी फैसको जनाब फैसल मारद साहब और एक्सीन कंस्ट्रक्शन जनाब मलिक मुरीदाबाद साहब। तो सबसे पहले तो अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा डिनर ब्रेक के बाद कि मारद साहब आपको बारा रेस्टोरेंट कैसा लगा और इसका खाना, इसका टेस्ट, इसकी सर्विस के बारे में आपको क्या? नहीं, नो डाउट ये जंग में मैं समझता हूँ कि इस लेवल पर कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पे आप फैमिली या कोई एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छी जगह हो। तो यहाँ का माहौल, सर्विसेज, सफाई जो बहुत, और ये जो सेटअप इनका है सारा बहुत अच्छा लगा। जंग में इस चीज़ की कमी भी थी, जो कमी भी समझता था कि ये ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा कमी थी जंग में। एक अच्छी लोकेशन का इस तरह का जहाँ पे आप फैमिली को ले जा सकें तो एक अच्छा ज़रूरी था। ये मलिक मुरीदाबाद साहब आपकी क्या राय है इसके आज बारा रेस्टोरेंट के? बारा रेस्टोरेंट माशाल्लाह जी बड़ा, मुझे तो एक दफ़ा जैसे यहाँ बैठे हुए थे तो स्प्रिंकल स्टार्ट हुए हैं ना, तो मुझे यूँ फील हुआ है कि जैसे एक दफ़ा जो है हम वो
मोनाल पे पहुंच गए हैं, तो एक मोनाल का टच आया जी जी, और हाइट है और माशाल्लाह सामने लाइटिंग भी तकरीबन वही टच दे रही थी, तो बड़ा एक अच्छा माशाल्लाह माहौल है जी। और खाना जो है वो भी बड़ा टेस्टी था, आपको दिमाग थका। अच्छा, इसमें बड़ा कमाल यह है कि बंदा जरा यहाँ बैठा हो तो ऐसे नहीं लगता कि आप झंग में, झंग भी सही बात है तो खूबसूरत लग रहा होता है यार, झंग के लिए डिसेंट टच है जी। बिल्कुल, असलम जौक साहब से भी जानेंगे जी, 12 के हवाले से आप जानेंगे। बहुत ज़बरदस्त माहौल और यहाँ पे बैठ के ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान में नहीं है, फॉरेन है किसी यूरोपियन कंट्री में। ज़बरदस्त माहौल जंग में अगर हमें मिल रहा है, ये इनकी मेहरबानी है जिन्होंने ये सेटअप बनाया, और फिर आपकी भी मेहरबानी है कि जिन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। ये इनकी मेहरबानी तो हम सब के लिए है, कम से कम मेरा जो सेट है 12 रेस्टोरेंट, ये इनकी मेहरबानी है 12 वालों की तरफ से कि इन्होंने हमें यहाँ एक अच्छा सेट दिया हुआ है। तो आप चलते हैं वापस अपने सवालात पर, तो मार साहब से सवाल करेंगे कि क्या ये जो बिलों में जो कोई आई है ऑप्शन के कुछ रिलैक्स होगा, क्या आप समझते हैं कि इससे आप अपने क्लाइंट को मुतमिन कर पाएंगे? क्योंकि कल किसान आपके पास पहुंचेंगे, कल आपके पास आरपी नाम घरों के पहुंचेंगे, कमर्शियल लोग ये पहुंचेंगे कि भाई ये बिल आप कम करें, ये कम करें, तो आप समझते हैं कि ये कोई रिलीफ आप दे पाएंगे या उन्हें मुतमिन कर पाएंगे? मैं बताता हूँ, कमर्शियल का तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वो डिसाइड कर दिया, वो जो फिक्स टैक्स लगा था उनका 6,000-10,000, वो उन्होंने जो जिन्होंने जमा भी करवाया था वो भी रिफंड हो गया उनका, वो भी रिफ़ंड हो रहा है। उसके अलावा जो अभी ये मैंने पहले ही बताया आपको, थोड़ी देर पहले ही पता चला हमें कि जो 200 यूनिट्स जिनके पिछले 6 माह में कंजप्शन 200 से कम रही है, उनका भी एफपीए जो है ना, एफपीए के अलावा हम बिल बना के देंगे उनको, जो भी बंदा लेके आएगा हम बिल बना के देंगे। लेकिन अब इसमें किसान का अभी तक कोई वो रिलीफ सामने नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया था कल, उसमें तो सबके लिए था, और अभी ये फाइनल नहीं है कि सिर्फ ये ही होना है, कल तक उम्मीद है कोई और अच्छी खबर भी आए किसानों के लिए, आए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आए। तो अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उम्मीद है कि बेहतर कुछ मतलब। अच्छा, गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद आपकी रिकवरी पे असर तो पड़ा होगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब कई जगहों पर लोगों ने बिल जला दिए हैं, कई जो हाँ एहतजाज में आके गुस्से में आके, और जब जुलूस आता है हमारे दफ्तर में तो वो हज़ार हज़ार बिल का वो पलंदा लेके ना वो टेबल पर रखते हैं, तो इस तरीके से मुश्किल तो बहुत आई है रिकवरी में। लेकिन मैं ज़रा लोकल हूँ, यहाँ लोकल जो तंजीमें हैं वो थोड़ा सा हया भी है उनको, मैं समझता हूँ कि बाकी इलाकों से झंग में रिकवरी अभी तक बेहतर है। अच्छा, बाकी इलाकों से पूछते हैं कि आपकी जो सीट है, यहाँ बंदा अपने शहर में बैठा हो तो ये सारी सर्विसेज में कहीं ना कहीं सियासी प्रेशर भी होता है इंसान पर, तो आपके इदारों पर ये प्रेशर होता होगा आजकल कि जनाब ये बिल फलां का कम कर दें, फलां का कम कर दें, कोई सियासतदान कॉल करता हो? नहीं, इसमें लोकली पॉलिटिकली तो बिल जो है वो कोई इंस्टॉलमेंट करनी पड़ जाती है, या किसी का खुदा ना खास्ता कोई करप्शन का इशू आ जाता है तो वो तो बंदा कर सकता है, अदरवाइज जो मतलब एक डिसाइडेड हैं या जो एक कम एसओपी डिसाइड हो गई है हमारी बिल्स की या रेट्स की, वो तो नहीं हो सकते, उसमें पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस भी कहें तो वो नहीं हो सकता। बिल से चलते हैं मीटर पे, जौक साहब हमारे साथ हैं, ये एक सवाल करना चाह रहे हैं मीटर के हवाले से, और ये खबर भी है तो ये जौक साहब सुनाएंगे। मेरा पर्सनल है घर का, 3 साल पहले वापा वालों ने मेहरबानी की, उन्होंने मीटर जो है वो लगा दिया, लेकिन मेरे घर से 35 मीटर दूर खंभे पे लगा दिया। वो 1-2 माह लगा रहा और मैंने उनसे कितनी बार कहा यार इसका कनेक्शन आगे दे दो, उन्होंने कहा खुद ही लगा लो। खुद कैसे लगाएं? कोई बड़े 2-3 माह के बाद उन्होंने मीटर भी उतार लिया, कनेक्शन नहीं दिया। हमारे घर से 35 मीटर दूर है वो खंभा, यानी आपने उस बिजली को वहाँ तक नहीं पहुँचाया अपने घर तक, ये कनेक्शन दिया ही नहीं, आपने ने खंभे तक लगा, खंभे पे लगा के चले गए। 2-3 माह के बाद उन्होंने मीटर उतार दिया और 7,000 रुपया डी बिल डाल दिया, और 3 साल हो गए अभी तक वो मीटर का पता ही नहीं कहाँ गया। ऐसे होता है जी आपके इदारे में, माशाल्लाह
इस किस्म के इकदाम। ये ज़ोक साहब ने अभी जैसे बताया कि 3 साल पहले की बात है, लेकिन ऐसा सुनने में तो कम ही आता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं एक रीज़नेबल आदमी है, वो कह रहे हैं तो डेफिनेटली इनके साथ हुआ होगा ऐसा। लेकिन ज़ोक साहब अल्लाह के फजल से अब नहीं होगा, तो आपका जो भी मसला है वो सिर्फ आपने मुझे बिल व्हाट्सएप करना है, मीटर आपका निकालना, आपका वो जो 7000 का जो बिल है जो अनजस्टिफाइड है उसका निकालना, वो हमारा काम है। और इंशाल्लाह आपका मीटर भी आपका लगेगा, मीटर भी आपका लगेगा, और वो जो अनजस्टिफाइड आपका बिल आपका पड़ा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ जो भी नॉलेज में हमारे इस तरह की आती है, ज़रूरत नहीं, हमें यकीन है कि अब इस तरह के जितने काम हुए हैं ना उनका इजाला होगा इंशाल्लाह। अच्छा हमारे साहब एक और बात करते हैं कि देहातों में अक्सर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, तो की अरसा नहीं लगता है। मैं पिछले साल की बात करूं तो अहमदपुर सियाल में एक बड़ा मसला आया रुडू सुल्तान के करीब के, आपके ही जो फेस्को के मुलाजमीन थे वो कहते हैं भाई पैसे दोगे सब चंदा इकट्ठा करेंगे फिर ये रिपेयर हो के आएगा, तो आप क्या सूरत हाल है? नहीं, एक तो हमारे सीओ साहब हैं चौधरी बशीर गुजर साहब, तो उन्होंने ये जो हमारा सिस्टम है रेक्लेमेशन वर्कशॉप का, पहले एक फैसलाबाद में थी, अब सरगोधा में भी फंक्शनल है, मियाँ वाली में विद इन 7 डेज़ फंक्शनल होने जा रही है, और अगली जो वर्कशॉप है जो एक मेरा भी ख्वाब था और जो यहाँ के मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान का ख्वाब होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्वाब था कि यहाँ पे एक ना वर्कशॉप रेक्लेमेशन बने, ये लोगों का ट्रांसफार्मर के हवाले से जो परेशानियाँ वो ख़त्म हों। और अल्लाह का फजल है कि मुझे 2-3 दिन पहले सीओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा फैसल आप फिजिबिलिटी बनाएं उसकी, तो वो बना के हमारे नज़र डब साहब चीफ इंजीनियर ऑपरेशन है जी जी, अब उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करने जा रहे हैं, क्योंकि उनसे भी जब वीकेंड पर मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि फैसल हमारा अब नेक्स्ट जंग के लिए है ना, आप इधर ऐसी जंग के रहने वाले हैं, मैं चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जंग के रहने वाला हूँ, तो हम जंग को एक कम अज़ कम इस तरह का तोहफ़ा दे के जाएँ और ये यकीन करें कि बहुत बड़ा तोहफा होगा, यही रिपेयर होंगे और यही हम जंग जो हमारे जंग वालों के ट्रांसफार्मर होंगे हमें ही मिलेंगे। अब होता क्या आम रूटीन में रेक्लेमेशन वर्कशॉप है फैसलाबाद, यहाँ के अब जंग के हमारे जो लाइन सुबह नजर आता है वो ट्रांसफार्मर जो डैमेज होता है वो देख के आते हैं रिपेयर के लिए, वो फैसलाबाद वाले वहीं पर बैठे हैं, उनके साफ जरा वो इलाका भी पोश है, हमारा देहाती इलाका है, डैमेज हुआ तो फौरी तौर पर वो ओवन जैसे ही ओपन होता है उसके बाद वो वहीं बैठे होते हैं ट्रांसफार्मर सारे ले दे के वो हमें सारे वही तो इस्तेमाल हो जाते हैं, हमें टाइम पे ट्रैवल पे ओवन खुलने का हमें टाइम का नहीं पता कब खुलना है ये वो, तो अब जंग में हो जाएगा तो इससे बहुत बड़ी आसानी होगी हमारे जंग के, ये मसले हल हो जाएंगे, ये कम से कम जो लाइन मैन जो हजरात ब्लैकमेल करते हैं ये ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी, पैसे लेते हैं कि ये खत्म हो जाएगी, फिर जाके हम जो है ना ये रिपेयर करवा के लाएंगे और फिर आएगा और फिर लगेगा। नहीं, अब ट्रांसफार्मर्स की तादाद फेस्को में बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, हमारे स्टोर्स में पड़े हैं ट्रांसफार्मर, जैसे हमें इतला हमारे नॉलेज में एक्शन के या मेरे आता है फौरी तौर पर एलोकेशन हो जाती है ट्रांसफार्मर की, आप उठाएं स्टोर से लगाएं। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप छंग के जो फेस्को के सार्फिन हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तुम्हारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। देखिए जंग का मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं खुद जंग का रहने वाला हूँ, और ये हकीकत है कि जो बाहर के ऑफिसर्स भी यहाँ जंग में आते हैं वो जब यहाँ से चले जाते हैं तो जंग के लोगों के बारे में जो उनके रिमार्क्स होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, मैं वो नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो उनके साथ मैं बैठा था और वो ये कह रहे थे कि यार जंग के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने वाले हैं, इज़्ज़त करने वाले हैं, पॉजिटिव हैं, जब जंग के सारे लोग ही हमारे पॉजिटिव और मोहब्बत देने वाले हैं मोहब्बत करने वाले हैं तो हमारे साफ़ी हजरात भी हमारे जंग के ही हैं। तो मैंने जंग में जॉब किया एज़ ए एस टी ओ किया, एज़ ए एक्शन किया, एज़ ए एस सी माशाल्लाह कर रहा हूँ मैं, तो मुझे कहीं पे जैसे मीडिया के हवाले से कभी मुश्किल पेश नहीं आई, हमेशा वो बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं और बड़े पॉजिटिव रहे हैं और हमेशा जहाँ हमें ज़रूरत उनके साथ की होती है वो देते हैं। मलिक साहब आप क्या कहेंगे जंग के जो आपके साफ़ीन हैं उनके लिए क्या पैगाम? सार्फीन के लिए कोशिश तो हम लोग भी कर रहे हैं कि उनको एक अच्छी सर्विसेज जो हैं वो फेस्को की तरफ से प्रोवाइड की जाएं, और उनके जो मसाइल हैं माशाल्लाह फैसल मारा साहब अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अदा करें, इन्होंने बड़ी जो है वो बल्कि ये फैसलाबाद में सेटल तकरीबन हो गए थे
तो सारे दोस्तों की ख्वाहिश पे ज़ौक साहब बैठे हैं, हम लोग हैं, बाकी सारे दोस्तों की, इवन के काफ़ी सारफीन की ख्वाहिश पे इन्होंने कुर्बानी दी है। और इन्होंने दोबारा जंग जो है वो एक बड़ी अच्छी सीट को छोड़ के ये जंग में एज ऐसे ऑपरेशन लगे हैं। तो कोशिश हम लोग भी सब मिलकर इंशाल्लाह करेंगे कि जो हमारा टेन्योर है यहाँ पे, जो हम जंग के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, हमारा टेन्योर यहाँ पे है, तो एक जंग के लिए कुछ ऐसा कर जाएँ सार्फिन के लिए कि आने वाले सालों में लोग याद रखेंगे कुछ ऑफिसर जो हमारे वो जंग के लिए आए थे। बाकी सार्फिन के लिए जो है वो यही है कि फेस्को भी उनका अपना डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो फेस्को एम्प्लॉज़ हैं वो भी उनके अपने ही हैं, वो कुछ जो हैं वो पॉलिसी इश्यूज होते हैं और कुछ बड़े हाई लेवल के, यानी पुलिसी ऊपर मान रही होती हैं आपको ऐसे डायरेक्ट फेस करनी पड़ रही होती है डायरेक्टली कसूर इनका। हाँ, ये मैं बल्कि अपने नाज़रीन को बताऊंगा, बिल जब बिल बंदे अब इस प्रोटेस्ट में कितने लोग आए हैं हमारे, और आके जब वो एक बिल को पढ़ते थे ना जो हमारे खाते में सारा कुछ डाला जाता था कि फलाना टैक्स, वो एक बंदा वो कागज़ पे लिख के लेके आया था फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, नंबर ऑफ टैक्स। तो अब ये चीज़ें अब वो कहता जी कि ये क्या चीज़ें हैं, अब हमसे वो पूछ रहा था कि ये क्या है टैक्स, बताएं जी हमें, हम क्यों दें जी ये टैक्स। तो अब इन उसके इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, इसका जवाब वो अपनी पार्टी सियासी दें जो लोग ये बैठ के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो हमें सॉफ्टवेयर मिलना है हमने तो उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज बिल होता है वो प्रिंट, और हमने तो सिर्फ जितने किसी बंदे ने बिजली इस्तेमाल करनी है उतने यूनिट हमने वो फीड कर देने हैं बस, बाकी बिल बना के वो कंप्यूटर से वो सारा सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। शाह साहब ये करनी चाहिए, हम लोग आप लोग सारे बैठे हुए हैं कि जो है बिजली जो है वो भी बड़ी एक अब तो बड़ी कीमती चीज़ बन चुकी है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये बड़ी एहतियात से इसको इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ कुछ ये इश्यूज भी होते हैं कि या सोलर पे चले जाएं, सोलर पे चले जाएं, सोलर तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त, अदरवाइज जो है आप देखें ना, बात ये है कि हमारे घर घरों के अंदर मोस्टली ये होता है कि जी फलाने कमरे में भी पंखा चल रहा है, फलाने में भी चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, तो हम बॉदर ही नहीं करते कि यार उठ के बंद कर दें। तो ये भी एक समझे कि कौमी चीज़ ज़ाया हो रही है, पैसे तो देने ही हैं हमने, कौमी चीज़ ज़ाया हो रही है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क और कौम की खैर करे, मुल्क है तो हम भी हैं, आप भी हैं, खुदे भी हैं, कारोबार भी हैं, सब कुछ है। बहुत शुक्रिया जनाब फैसल मारे साहब, जनाब मलिक मुरीद साहब और असलम जौक साहब, अपने मेहमानों का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया और हमारे सवाल के जवाब दिए। बहुत सी बातें अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि रह गई हैं, लेकिन अभी हम फिर भी किसी वक्त फैसल मार साहब को भी तकलीफ़ देंगे कि हमारे पास आए, मलिक साहब को भी, और जौक साहब के गिले शिकवे भी आपको सुनाते रहेंगे। बहुत से लोगों से गिले शिकवे चल रहे होते हैं इनके, तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस डिपार्टमेंट से इन्हें गुस्सा उस डिपार्टमेंट में इन्हें साथ बिठा लिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकबाद।